हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो है ये प्रॉपर महाराष्ट्रियन मेकअप लुक पर। आप देख सकते हो चांद, बिंदी एंड नथ। और ये लुक आप अगर आपके यहाँ गणेश चतुर्थी बहुत ही धूमधाम से मनती है तो आप तब भी इसे क्रिएट कर सकते हो, वही महाराष्ट्रियन फीलिंग लाने के लिए, लुक लाने के लिए प्रॉपर। और इस मेकअप लुक में मैंने एक ही ब्रांड के मेकअप प्रोडक्ट्स यूज किए हैं जो कि है शुगर कॉस्मेटिक्स। सो ये मेकअप लुक बहुत ही सिंपल है, कैसे क्रिएट करना है उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट मैं यूज कर रही हूँ ये शुगर का एक्वाहोलिक प्राइमिंग मॉइस्चराइजर। बहुत ही सही है ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए। स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, प्लस ये प्राइमिंग इफेक्ट भी देता है जो कि आपको फाउंडेशन के पहले लगाना चाहिए। अच्छे से लगा लूंगी फेस एंड नेक पर। नेक्स्ट मैं शुगर की बीबी क्रीम यूज करूंगी, एसपीएफ 30 के साथ आती है। अगर लाइट मेकअप बेस चाहती हो तो इस बीबी क्रीम को जरूर ट्राई करके देखना। बहुत ही स्मूथली ब्लेंड होती है और मीडियम कवरेज देती है। इसे मैं डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी। डैम्प मतलब आपको पहले गीला कर लेना है ब्यूटी ब्लेंडर, फिर उसे इस तरह से निचोड़ना है कि आप जब ब्लेंड करो ना तो बिल्कुल भी पानी ना निकले। मैंने आपको निचोड़ के दिखाया ना, बिल्कुल भी पानी नहीं निकल रहा था। बट डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज करना है ब्लेंड करने के लिए, जिससे कि केक अच्छे से स्मूथली ब्लेंड हो जाए जो भी आप स्किन पर अप्लाई कर रहे हो। अच्छे से पूरे फेस पर जो भी जहाँ पर क्रीजेस के चांसेस होते हैं वहाँ ब्लेंडिंग का बहुत ध्यान देना है। बाकी मैं नेक पर भी अप्लाई करूंगी जिससे कि कोई भी पार्ट अलग ना लगे। नेक्स्ट मैं शुगर का बनाना लूज पाउडर यूज कर रही हूँ और ये येलो टोन में होता है तो ये फेयर टू मीडियम स्किन टोन वालों को सूट करेगा। बट ये डस्टी डार्क स्किन टोन वालों पर ये ऐशी लगेगा। ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है तो पाउडर से जरूर सेट करो फेस को, जिससे कि क्रीजेस के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं और फेस मैट लगने लगता है, क्योंकि ऑयली स्किन वालों का ग्लो ज्यादा मारता है फेस, इसलिए उनको चाहिए होता है कि मैट लगे। अब मैं मेकअप सेटिंग मिस्ट से जो भी मैंने बेस अप्लाई किया था उसे सेट करूंगी जिससे कि वो लॉक हो जाए, और उसी ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा डैप डैप करूंगी जिससे कि एक्सेस प्रोडक्ट रिमूव आउट हो जाए। नेक्स्ट मैं ये शुगर का कॉन्टोर डिफोर्स फेस पैलेट में से ये ब्राउन शेड लेकर जो ट्रांजिशन लाइन है आईलेट की, क्रीज लाइन सॉरी, वहां अप्लाई करूंगी। अच्छे से ब्लेंड करना है, इसे पूरी आईलेट पर अप्लाई नहीं किया है। ये पिंक शेड लेकर मैंने जो आईलेट का बचा हुआ पार्ट था ना पूरे में इसे अप्लाई किया है मैंने, और आप देख सकते हो ये शेड जो ब्राउन और पिंक का मिक्स है कितना अच्छा लग रहा है। मेकअप करते टाइम आपको ब्लेंडिंग का बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ब्लेंडिंग के बिना मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर मैं उसी पैलेट में से ये हाईलाइटर शेड लेकर फिंगर से ही अप्लाई कर लूंगी। आईलेट के सेंटर में ही अप्लाई किया है ये शेड मैंने, जिससे कि आईज ओपन अप लगे। आप देख सकते हो वीडियो में किस तरह से अप्लाई कर रही हूँ मैं। सो ये बहुत ही सिंपल सा आई मेकअप किया है मैंने जो कि हर कोई इजिली क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट मैं ये शुगर का आईलाइनर यूज करूंगी, जेट ब्लैक है और वाटरप्रूफ है, स्मज प्रूफ है। बहुत ही थिन ब्रश है इसका जो कि प्रिसाइज एप्लीकेशन देता है। जो भी मैं प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ उनकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप एक बार वहां जरूर चेक कर लेना। नेक्स्ट मैं ये ब्राउन और पिंक शेड लेकर उसी पैलेट में से लोअर लिड पर अप्लाई करूंगी, स्मज करूंगी हल्का हल्का जिससे कि स्मूथ लुक लगे। नेक्स्ट मैं ये कर्ल करके, आईलैशेस को कर्ल करके ये शुगर का मस्कारा अप्लाई करूंगी। ये भी वाटरप्रूफ एंड स्मज प्रूफ है और लैशेस को अच्छा वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, तो अगर आपकी छोटी छोटी आईलैशेस है तो आप इसे ट्राई जरूर कर सकते हो। अब जो भी बचा हुआ प्रोडक्ट है मस्कारा वॉन्ड में उससे मैं आईब्रो को सेट कर लूंगी नेचुरल लुक के लिए। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ ये एक्साइटिंग प्रोडक्ट जो कि है ब्लू मस्कारा। ये मुझे ट्राई करना था लेकिन मैंने इसे पूरी लैशेस पर अप्लाई नहीं किया, इसे मैंने सिर्फ लोअर लैशेस पर अप्लाई किया, क्योंकि मैंने पूरा मेकअप कर लिया था तो मुझे लगा पूरी लैशेस पर अप्लाई करूंगी, अगर ये खराब लगा तो पूरा मेकअप खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने लोअर लैश पर अप्लाई किया। बट ये अच्छा लग रहा था सो मैं पूरी लैशेस पर भी ट्राई करके जरूर देखूंगी। अब मैं फेस कॉन्टोरिंग करूंगी उसी पैलेट में से ये ब्राउन शेड लेकर, जहां भी मुझे जरूरत है कॉन्टोरिंग की वहां अप्लाई करूंगी। एंड गाइस आपने देखा मैंने एक ही पैलेट में से कितना काम कर लिया, मतलब कि आई शेडो, फेस कॉन्टोरिंग, अभी मैं ब्लश भी अप्लाई करूंगी। सो अगर आपके पास ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आप कम मेकअप करते हो तो ऐसा पैलेट जरूर होना चाहिए जो मल्टीपर्पज हो, मतलब कि अगर आपके पास आई शेडो पैलेट है तो ऐसा हो वो जिसमें कि ब्लश हो, कॉन्टोर शेड हो
और प्लस आप उसके साथ आई मेकअप तो कर ही सकते हो। तो ऐसा मल्टीपर्पज पैलेट हर किसी के पास होना चाहिए। अब मैं अगेन मेकअप सेट कर रही हूँ मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए। नाउ मैं अप्लाई कर रही हूँ ये हाइलाइटर शेड, जो भी हाइलाइटिंग पॉइंट्स हैं मैं अप्लाई करूंगी, लाइक आईब्रो बोन, चीक बोन, नोज। अब लास्ट स्टेप मैं अप्लाई कर रही हूँ लिपस्टिक, जो कि दो शेड की अप्लाई करूंगी, एक है पिंक और एक है पीच, ब्राउनिश पीच कलर की लिपस्टिक। ये दो शेड्स मैं इसलिए अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि जो पीच कलर था ना वो वॉश आउट कर रहा था, वो लिप लाइनर के साथ ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सोचा डार्क शेड लेते हैं और बीच में वो पीच कलर अप्लाई करेंगे, जिससे कि ओम्ब्रे लुक भी आएगा और वो यूज भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने लिप लाइनर की जगह वो डार्क पिंक शेड अप्लाई किया, फिर मैं जो बीच का पार्ट होता है लिप्स का वहां मैं इसे हल्का हल्का अप्लाई करूंगी इस शेड को, पीच शेड को, और अब ये दोनों शेड बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। सो यस, दिस इज द फाइनल लुक यू गाइस। ये मेकअप लुक आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना इस तरह की और वीडियोस के लिए। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना और शेयर भी कर देना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।